भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में दंपत्ति को कमरे में बंद कर चोर 3 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन उठा ले गए। सुबह बंद कमरा खुलने पर दंपत्ति को घटना की जानकारी हुई। जानकारी मिलने पर चौरी थाना अध्यक्ष बृजेश कुमार मौर्य ने इस मामले की जाँच में जुट गए हैं। मानिकपुर निवासी बेचन विश्वकर्मा गत माह मुंबई गए थे। उनके चौरी में बदोही वाराणसी मार्ग के दक्षिणी छोर पर बने मकान में दामाद राहुल व पुत्री प्रीति रहते हैं। दामाद राहुल ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि प्रतिदिन की तरह वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ खाना खाकर रात एक कमरे में सो रहे थे। देर रात चोरी की नियत से पहुंचे चोरों ने कमरे को आगे से बंद कर दिया और अन्य कमरों में रखे बैग अटैची को तोड़कर करीब 3 लाख रुपए मूल्य के आभूषण व मोबाइल आदि उठा ले गए। जाते समय चोर उसी बैग को साथ ले गए जिसमें आभूषण कपड़े आदि रखे गए थे। चौरी थाना अध्यक्ष बृजेश कुमार मौर्य ने कहा कि तहरीर के आधार पर चोरी के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। राहुल विश्वकर्मा, क्या चोरी हुआ है क्या? हाँ सर, यहाँ चोरी हो गया है। कैसे हुआ है भाई, जानकारी आपको कैसे हुई? रात को 2 बजे तक हम जागे थे, उसके बाद फिर हम लोग सो गए, फिर चोरी हो गया। सुबह देखा तो अंदर से गेट लॉक था और फिर बाहर गद्दा रखा था, फिर गेट खोल के अंदर गए तो सब सामान ताला टूटा था, कपड़ा इधर उधर सब अलमारी टूटा हुआ था, सब सामान इधर उधर बिखरा था। सामान में क्या क्या गया होगा? सामान में रकम गया है, मोबाइल गया है, 3 लाख का 2.5 लाख का रकम गया है, मोबाइल गया है, यही सब गया है। अच्छा, पुलिस को आपने सूचना दिया कि नहीं? पुलिस को सूचना दिया साहब। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, देख के गई है। अच्छा।